आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। आज पहनावे में पुरुषों ने तो अपने आप को बहुत कुछ संभाल रखा है, लेकिन समाज की बेटियों और महिलाओं को पाश्चात्य संस्कृति होड़ सी मची है। ऐसी परिस्थिति में हम उन महिलाओं से बच्चों को संस्कारित करने की क्या उम्मीद करें? धार्मिक संस्कारों के संविधान को भी समझो। भारतीय संस्कृति के पहनावे को तुम स्वयं और बेटियों को पहनाओ। सुंदरता कम कपड़ों में या अत्यधिक मेकअप से नहीं, बल्कि स्वयं के आकर्षण व्यक्तित्व से आती है। यह उद्गार गणिनी मंगलवार को आरेका विज्ञमती माताजी ने चंपाबाग धर्मशाला में आयोजित जैन महिलाओं के सेमिनार में दिए। माताजी ने कहा कि मंदिर में महिलाएं अपने और बेटियों के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। जैन संस्कृति के अनुसार वस्त्र धारण कर सिर को ढककर ही मंदिर में प्रवेश करें। माताजी ने कहा, महिलाओं में 3 दिन की मासिक अशुद्धि उनके वंश संस्कृति का श्रृंगार है। आज के एकल परिवार के दौर में इस अशुद्धि में भी महिलाएं भोजन इत्यादि बनाकर इस सूतक को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन यह गलत है। जैन शास्त्रों के अनुसार में अशुद्धि के समय महिलाओं को रसोई घर की शुद्ध चीजों एवं पति से दूर ही रहना चाहिए। जो महिलाएं इस अशुद्धि में भोजन इत्यादि बनाकर परिवार के सदस्यों को खिलाती हैं, उस घर की सुख शांति समृद्धि और पवित्रता नष्ट होती है और विशेषकर उस महिला को पाप का संचय होता है। नहीं कर लेना, लेकिन तुम कभी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। आज की महिलाएं जो विदेशों में लड़कियां नौकरी करने जा रही हैं, मैं उनके लिए ये बात कहती हूँ, नौकरी करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने संतति को सत संस्कारों से आरोपित करना। आप अपनी संस्कृति को जिंदा रखोगी तो ये जिन धर्म हमेशा जयवंत रहेगा। और आज आप बहुत छोटे मोटे माता पिता के यहाँ घर में जन्म लिया है, जिस माता पिता ने तुम्हें नौकरी चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां विदेशों में जाकर के इतना पैकेज लेकर के आए ताकि हम इस भारत की अस्मिता को युद्धियों से महका सके। मैं उन परिवारों से कहना चाहती हूँ, इन लड़कियों के पैसों से आप कभी यशस्वी नहीं बन सकते। ये कन्या रत्न है, आप उस भौतिक रत्न को तो तिजोरी में रखते हो। नीलम आ जाए, एक हीरा आ जाए तो डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी में भी कागज में वो हीरा लपेट करके रखोगे, लेकिन इस कन्या रत्न को आप दलितों के लिए खुला परोस देते हो। इनके सीट की रक्षा आखिर कौन करेगा जब माता पिता ही हमारे विरोधी बन चुके हैं? पैसे के लिए आपने अपने कन्या रत्नों को विदेशों की यात्रा के लिए मन बना लिया, हायर एजुकेशन के लिए मन बना लिया। अगर इनको एजुकेशन करना है तो उन माता पिता से कहती हूँ, दोनों में से एक उनके साथ हॉस्टल में रहो। उनके साथ रहने को आपने 3 दिन में ही दोगे कर दिया। ये 3 प्रकार के सूतक जो बताए गए हैं, चौथा इन तीनों के संसर्ग से होने वाला सूतक। यानी कि मासिक धर्म संबंधी सूतक है, आज अपने को उस पर व्याख्या करनी है, उसको ध्यान से सुनना है। कहा गया है कि इनमें ये सूतक सिर्फ महिलाओं को लगता है, पुरुष को नहीं लगता, परिवार को नहीं लगता, धर्म को गुरुओं को नहीं लगता। किसको लगता है? महिलाओं को। जो मासिक धर्म से ग्रसित हैं, सिर्फ ये 3 दिन का सूतक उन महिलाओं के लिए है। इसे रजो धर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं और आर्तव स्वभाव भी कहते हैं, जिसमें असंख्यात जीवों की निरंतर मृत्यु संभव है। हिंसा मूलक ये प्रसंग, इसलिए 3 दिन महिलाओं को किसी भी शुभ कार्य करने के लिए जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा नहीं है और जो शुभ काम धार्मिक चल रहे हैं उसमें आने की भी कोई आज्ञा नहीं है। अनायास दिगंबर मुनिराज आदिकाएं, अगर 3 दिन की अशुद्धि की महिला के सामने आ भी जाए तो महिला को तुरंत अपना मुंह फेर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति में यदि आप उनको देखती भी हैं तो उससे आप
आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे तीसरे दिन रसोई आदि बनाकर के आखिर ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति में हम परिवार को कैसे भोजन करा सकते हैं।